हरिहत सिद्ध सुई उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय हो न माए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज सब आज भाए हर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से सातवें लंब को आधार बनाकर यहाँ कुछ नीतिगत बातें बताई जा रही थी। स्त्रियों के संदर्भ में बहुत तरह की बातें कही। जीवंदर कुमार की जो ये घटना यहाँ चल रही थी, आपको ध्यान होगा, उसमें यह बात बतलाई गई कि जीवंदर कुमार जब उस किसान को अपने आभूषण वगैरह देकर के आगे बढ़े तो एक जंगल में रुक गए। जंगल में विश्राम करने के लिए रुके और वहाँ कोई एक युवती आ गई अकेले, और उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि ये इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसा विचार कर जीवंदर कुमार ने अपना मुंह फेर लिया, और इतना ही नहीं, कोई आपदा न आ जाए ऐसा विचार करके वहाँ से चले गए। ये घटना यहाँ तक अपनी हुई थी, और इस घटना के आधार पर नीतिकारों की कई नीतियाँ यहाँ बतलाई जा रही थी। ये सब प्रकरण अपना यहाँ हो चुका है, और स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना, ये चर्चा 42 नंबर के श्लोक वाली भी हम कर चुके हैं। 41 तक ही हुई है? नहीं नहीं, 41 ही हुआ है। देखो देखो, कंफर्म करो आप, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है 43-41 पेज से होगा ना, माने 42 नंबर श्लोक हो गया ना। 42 चलेगा? चला लो बाबा, 2 मिनट लगेगी। क्या है क्या? संलाप वास हासादी त्वद्वर्ज्यं पाप वीरुणा बालया वृद्धया मात्रा दुहित्रा वा वृद्धस्थया। नीतिकार कह रहे हैं इसलिए पाप से डरने वाले पुरुषों को, जो लोग पाप से डरते हों उन्हें बाल कन्या से, वृद्ध स्त्री से, कितनी बातें मैंने इसका विश्लेषण भी किया था, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है। ये बाल कन्या से दूर रहे, वृद्ध स्त्री से भी दूर रहे, माता से भी, ये कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, अथवा पुत्री से भी, और व्रत पालन करने वाली श्राविका से भी बोलना, साथ में रहना और हंसी आदि करना ये छोड़ देना चाहिए। अब अपनी माँ से भी हंसी मजाक नहीं करें, वृद्ध और बालिकाओं से भी नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। ये स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं यहाँ ही, और नीतिकारों का निर्देश है। देखो नीचे सरलार्थ में लिखा, पाप से भयभीत विवेकशील पुरुषों को केवल युवा स्त्री से ही नहीं तो बालिका, वृद्ध स्त्री, अपनी माता, पुत्री तथा व्रत धारिणी, ब्रह्मचारिणी, आर्यकादि से भी एकांत में बोलने का निषेध नहीं है, बात करने का निषेध नहीं है, एकांत में नहीं, पहला निषेध। दूसरा, निरर्थक वार्तालाप का निषेध। ऐसा नहीं है कि कोई आर्यकादिक हो और उनसे कोई चर्चा, कोई शंका पूछनी हो तो एकाध प्रश्न पूछ लिया, कभी तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन प्रथम तो एकांत में मिलने का निषेध है। फिर दूसरी बात, व्यर्थ की वार्तालाप करने का निषेध है। घर गृहस्थी संबंधी, अपने काम धाम संबंधी, परिवार संबंधी, बाल बच्चों संबंधी, उनके स्वास्थ्य आदि संबंधी कोई चर्चा नहीं। ये सब राग बढ़ाने वाली चर्चाएं हैं, अनर्थ दंड के अंतर्गत आती है। पीछे हमने जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड का स्वरूप पढ़ा था,
उसमें आई थी ऐसी चर्चा, खोटी चर्चाएं करता करना नहीं, बातें नहीं करना, ये सब निषेध किया है। निरर्थक वार्तालाप हंसी मजाक आदि नहीं करना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। अरे साहब इसमें क्या हो गया, मजाक ही तो कर रहे थे, इसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं नहीं भाई साहब, आपकी ये मजाक, ये क्या कहेंगे उसे, आमंत्रण है आपदाओं को, इसलिए आप सावधान रहें। ये सावधानी की प्रेरणा यहाँ दी है कि सब प्रकार से आपका शील सुरक्षित रहे दोनों तरफा, ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ये पढ़ ली थी अपन ने चर्चा, चर्चा हो गई थी, है ना, ध्यान आ गया आपको? चलो कोई वो नंबर नहीं डाला होगा, नंबर एक कल डल गया होगा, सब भी कथा में आ जाएगी। हंसी मजाक वार्तालाप का निषेध, और अभी देखो ये तो हजार साल पहले, 1200-1500 साल पहले लिखी हुई चर्चाएं हैं, नीतिकारों की बातें हैं। यदि इसके आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो साथ में बैठ करके टीवी देखना, सीरियल देखना, मूवीज देखना, कैसे कैसे दृश्य उनमें दिखाए जाते हैं, माने शर्मसार हो जाए व्यक्ति देखता हुआ, मुंह फिरा लेवे, तो आप ऐसा बनावी ही ना बनने देवें, प्रयास इस तरह का करें, ये सारी बातें यहाँ कही है। चलो, जीवंदर कुमार अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए हैं, पेज नंबर है 341। इति वैराग्य तर्केण ततो यातुं प्रचक्रमे भेतव्यं खलु भेतव्यं प्राज्ञैरज्ञोचितात्परम्। देखो क्या, इति वैराग्य तर्केण, इस प्रकार वैराग्य पूर्वक विचार करते, ये सारा विचार जो पीछे नीतिकारों के श्लोक कहे हैं, जो पीछे सावधानियों की बातें कही है, ये सारी बातें जीवंदर कुमार के मन की बातें बता दी। हमारे देखिए, कोई भी बात जब श्रोताओं को समझाना हो, जब पाठकों को सिखाना हो, जब जन सामान्य को बताना हो, तो कैसे बताएं? तो जीवंदर कुमार ने ऐसा कहा हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, वो सोच रहे थे। अब सोचने की तो सोचने की बात है, कुछ भी कह दो, क्या सोच रहे थे? तो जितनी अच्छी अच्छी नीतिगत बातें हैं, वे सारी बातें उन किसी विद्वान के चिंतन में, किसी ज्ञानी के चिंतन में, किसी महापुरुष के चिंतन में, या हमारे इस कथानायक जीवंदर कुमार के चित्त में चलने वाले विचारों के आधार पर उन सब सारी बातों को यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। अपने को सावधान कर रहे हैं। देखिए अन्वय अर्थ, इस प्रकार वैराग्य उत्पादक विचार से जीवंदर कुमार वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। जीवंदर कुमार वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। क्यों क्यों तैयार हो गए जाने के लिए? ये वैराग्यमय चिंतन करते हुए। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्यों से अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। बोलो, समझदार या ऐसा कह सकते हैं, अज्ञानी मित्र से समझदार शत्रु ज्यादा अच्छा है। क्या क्या कहा वाक्य? नादान की दोस्ती जीव का जंजाल, ऐसे कहा उसने। वही बात कही है मैंने दूसरे शब्दों में, माने नादान अज्ञानी ना समझ मूर्ख की दोस्ती से ज्यादा अच्छा है कोई समझदार आदमी शत्रु भी हो तो भी चलेगा। कम से कम समझदार तो है, लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति पता नहीं क्या कर देगा। इस संबंध में बचपन में कोई कहानी पढ़ी थी, सुनी थी कहीं, कुछ वो याद आ रही है इस तरह की थी उसमें, कि वो एक राजा का मित्र था बंदर, और वो राजा के ऊपर मक्खी बैठ गई तो वो उसको काट दिया, ऐसा कुछ था, तलवार लेकर के सुरक्षा करने के लिए खड़ा कर दिया कि कोई भी आना नहीं चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। तो वो मक्खी उसके पैर पे बैठी, पहले उड़ाने का प्रयास किया, फिर इधर उधर भागती रही हो, तो उसने सोचा कि शत्रु है, राजा की दुश्मन है, उसने तलवार निकाली और राजा के अंग काट दिए। तो ये ऐसा नादान ना समझ, नकल नहीं है, तू कर क्या रहा है, तू मक्खी के ऊपर प्रहार करना चाह रहा है, लेकिन वो तो उड़ जाएगी, नुकसान किसे होगा? ये ना समझ मित्रता की बात है, मित्र तो है लेकिन ना समझ है।
ना समझ तो ठीक है, और कभी कभी ना समझी क्रोधाधिक में भी हो जाती है, कषायों में हो जाती है। हम ये विचार नहीं कर पाते कि कषाय में हमारे द्वारा किया गया कार्य ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाला है, कषाय तो अभी चली जाएगी। आपने बात बात में किसी से कुछ झगड़ा विवाद हो गया और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, अब उसका इफेक्ट तो लंबे समय तक पड़ेगा ना, और आपका गुस्सा तो 10 मिनट में शांत हो गया। अब लेकिन वो जो काम कर दिया वो काम तो, इसलिए कभी भी ऐसा न हो कि क्रोधाधिक के कारण इस तरह का कोई भी गलत स्टेप उठा लिया जाए जो लंबे समय के लिए खतरनाक साबित हो। देखिए यहाँ निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में लिए गए निर्णय, ये वास्तव में नीतिकारों ने कही है इस तरह की बातें, पहले शहर आई है अपनी इस तरह की बातें। क्रोध में लिए गए निर्णय, लोभ में लिए गए निर्णय और भय डर में लिए गए निर्णय, वे निश्चित रूप से गलत साबित होंगे आपकी लाइफ के लिए। किसी ने डरा धमका दिया और आपने कोई निर्णय ले लिया, तो डर में जो आपने निर्णय लिया है ना, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है, समझ लो आप। डर करके कोई निर्णय मत लो। लोभ लालच में आपको दिखाई दे रहा है और आपने तुरंत निर्णय ले लिया, अरे यार 2 करोड़ के 10 करोड़ हो रहे हैं, लोभ में निर्णय मत लो। गुस्से में निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध का काल, अभिमान का काल, मायाचारी कषायों का काल, भय भी तो कषाय है। हास्य आदि के अंदर लिए गए निर्णय, किसी किसी व्यक्ति ने आपकी हंसी उड़ा दी और आपने क्या कहेंगे उसे, शोक संतप्त हो गए, चित्त विचलित हो गया और आपने कोई निर्णय ले लिया, मत लो निर्णय, मजाक की बात थी, उस बात को दिल से मत लगाओ। हो जाता है ना ऐसा, किसी ने किसी की मजाक बना दी और मालूम चला बाद में उसने जाकर के आत्महत्या कर ली, ऐसी कितनी घटनाएं घटती है। कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी बात थी, 4 दोस्तों ने मिलकर के आपकी मजाक बना ली और उस लड़के ने जाकर के आत्महत्या कर ली। तो आप उसको ज्यादा उससे मत लगाओ, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। कषायों में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, इन्होंने यहाँ कितनी सुंदर बात कह दी है। बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्यों से, जीवनदर बुद्धिमान है और अज्ञानी है सामने वाली वो स्त्री जो दिखाई दे रही है, नीतिकार कह रहे हैं उनके कार्यों से अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। डर करके रहो भैया, कोई भरोसा नहीं, ये अज्ञानी है इससे डरो, ये पता नहीं क्या कर बैठे है, ये किस समय क्या कर दे, इससे डर लगता है उससे, ऐसे अज्ञानियों से, क्योंकि मूर्ख है, सर फिर जाए, पता नहीं कब दिमाग में क्या हो जाए और कुछ का कुछ कर बैठे, सावधान रहो। उपयुक्त प्रकार से वैराग्य में विचार करते हुए जीवनधर कुमार उस विद्याधरी युवती से दूर जाने को उद्यत हुए, क्योंकि अज्ञानियों के अयोग्य कार्यों से ज्ञानी मनुष्यों को भयभीत ही रहना चाहिए। अब देखो इसको, और यदि इसको आध्यात्मिकरण किया जाए इन वाक्यों का, तो साफ साफ शिक्षा दे रहे हैं मिथ्या दृष्टियों की संगति से दूर रहो। अज्ञानियों की संगति से दूर का मतलब क्या है? अज्ञानियों की संगति, वो अयोग्य कार्य करेंगे वो, आप सावधान रहो। मिथ्या दृष्टि क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता है आपको इसकी कल्पना नहीं है, कितने प्रकार के अनर्थ होंगे, अनगिनती अनर्थ हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि के जीवन में, और आप यदि सावधान नहीं रहे उससे तो आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। और ज्ञानियों की संगति की बात करें, ज्ञानी मनुष्य अज्ञानी की पहचान साफ साफ दिख रही है ना, जो घोर मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्वी दिखाई दे रहे हैं, पाप कार्यों में संलग्न दिखाई दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपको निरंतर ये उपदेश दे रहे हैं, खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, इससे खूब लाभ होगा, तो समझ लेना कि अज्ञान का पूर्ण उपदेश है, सुख तो है नहीं इसमें, और उपदेश तुम्हारे को दिया जा रहा है खूब पैसा कमाओ, ये आपकी लाइफ आपका जीवन खराब करने का उपदेश है, पापोपदेश सब आ जाएंगे उसमें। जो आपको जुआ खेलने का उपदेश देवे, जो आपको कह रहे हैं यार तो कर ले, क्या फर्क पड़ गया, तो इसका मतलब समझ लो ये व्यक्ति संगति करने योग्य नहीं। जो आपको ये कहे इतने समय क्या फर्क पड़ गया है, यहाँ तो हमारे यहाँ शास्त्रों में तो अनायतनों का निषेध किया है, 6 अनायतन, समझ में आ रही है बात, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म,
इनकी सेवा करने वाले तीन तो ये, इनकी संगति डायरेक्ट नहीं करें और इनकी उपासना करने वालों की भी संगति नहीं करें। हमारे मामा जी चढ़ाते हैं पूजा में, आए दिन चोला चढ़ाते, दूर रहो क्या। वो तो बारीक बात हो गई, रहना चाहिए, कोशिश किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब, क्योंकि क्या होगा, वो कभी सभावणी करेंगे, वो कभी कुछ करेंगे, वो कभी कुछ आयोजन करेंगे, वो कुछ इस तरह का उत्पटन करेंगे, फिर आप विवाद का कारण बनेगा, आप शर्मा शर्मी में वहाँ जाओगे। अरे भाई, यहाँ शर्मा शर्मी का सवाल नहीं है, मेरे अनंत भाव खराब होने का सवाल है। हमें कोई पद्मावती जी से झगड़ा थोड़ी ना, हमें कोई नाराजगी नहीं है उनसे, किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है पद्मावती जी से। क्या वो आए तो स्वागत है, वो सुनने के लिए आए तो हम तो स्वागत करेंगे कि हमारे बीच में पद्मावती सुनने आई है। वो अभ्यास करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, मोक्ष मार्गी हो, साधर्मी हो, हम पद्मावती के परिणामों की भी अनुमोदना करते हैं कि पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा करने का विकल्प उनके मन में आया, उन परिणामों की अनुमोदनाएं। क्या लेकिन इससे वो पूजनीय हो गई हो ऐसा रंच मात्र भी नहीं। क्या इससे हम उन्हें अर्घ चढ़ाने लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे यहां जैन परंपरा में संयम पूज्य है, संयम क्या त्याग की महिमा है, वो तो भोगी है, भोगों में फंसे हुए हैं। आज की तारीख में किसी की भी बात करो, पद्मावती तो एक नाम कह दिया है, ऐसे किसी भी देवी देवता की बात करो, सब पंचेंद्रिय विषय भोगों में फंसे उलझे हैं ना, क्या वो हमारे लिए आदर्श कैसे हो सकते हैं। पूज्य वो है जो हमारा आदर्श है। क्या एक से काम चलता है, तुम्हें क्यों दूसरे के पास जाओ। सही बात, 16 प्रवचन है 80वीं गाथा के ऊपर, सन 90 के आसपास के। साधन नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रेरणा देने वाले होंगे, अनुमोदना करने वाले होंगे, फिर दूसरे लोग दिखते हैं तो कम से कम संगति करो जी, विवाद का कारण न बने, बच करके रहो। अब स्वयं के ग्रहित मिथ्या, जो आपको रोजाना आए दिन आपकी ऐसी संगति है जो आपको मंत्र तंत्र में उलझाने रखने की बात करता हूं। कल बहुत सुंदर प्रवचन था सुबह का कि शाम का, समत प्रकाश जी का, मंत्र तंत्र की चर्चा की थी सुबह, कल सुबह का प्रवचन सुनना, हमने ट्रेन में सुना था कल सुबह आते हुए, सुबह 9:15 का प्रवचन था, बहुत चर्चाएं की उन्होंने, तर्क की चर्चा कर रहे थे, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, सारे प्रवचन लाइव भी आ रहे हैं वहाँ के, सुबह शाम दोनों टाइम के प्रवचन, दिन भर के कार्यक्रम, सूरत के कार्यक्रम। हाँ, जीवन जीने की कला वाला सुनाऊंगा कल, बहुत सुंदर थी चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा है थी जीवन जीने की कला के बारे में, उनका सोचने का नजरिया, उनका बोलने का सब चीज़ें, और सुबह इतनी चर्चाएं की उन्होंने, तर्क तो लगाओ यार, तर्क तो लगाओ, इससे भला होगा कि नहीं होगा, बहुत तरह की बातों के बारे में बोला उन्होंने, इस तरह की सारी बातों के बारे में, इस मंत्र से ये भला हो जाएगा, इससे ये सिद्धि हो जाएगी, इससे ये काम हो जाएगा, इन देवता के इससे ये हो जाएगा, इस विधान से ये हो जाएगा, इस अनुष्ठान से ये हो जाएगा, दुनिया भर की बातें, जहाँ जहाँ दिमाग में ऐसा चलता है ना, किस गलत फहमी में हो आप, यदि इनके माध्यम से ऐसा होने लग जाए तो मैं आपसे कहता हूँ फिर अस्पताल तो नहीं जाओगे ना आप। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के दिखाना ही पड़ेगा, क्यों, तुम्हारे को तो भरोसा है मंत्र से हो जाएगा, इसके जाप से हो जाएगा, तबीयत खराब हो ना तो फिर एक काम करना, फिर डॉक्टर के मत जाना, अस्पताल मत जाना, आप मंदिर आकर के शांति विधान कराना। बोलो क्या करना चाहिए पारा जी, कोई समझदार नहीं करता है, तो फिर काहे को जबरदस्ती लकीर पे ठोके जा रहा है कि इससे हो गया, इससे हो गया, विधान से ठीक हो जाएगा, ये जबरदस्ती की झूठी कल्पना है कि नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है समाज में, क्या करें, चारों तरफ भांग है, धूल है, चारों तरफ माहौल खराब है, कौन समझे, न कोई सुनने वाले न कोई सुनाने वाले, सुनाने वाले भी नहीं सुनाते हैं ऐसी बातें, जैन साहब इसलिए नहीं सुनाते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाए, सामने वाला नाराज हो जाएगा तो हमें बुलाएगा नहीं, हमें तो गुड लुकिंग चाहिए ना, सब हमारे को पसंद करें, सब हमारे को चाहें, सब हमारी तारीफ करें, तो बस ठीक है, धुप्पड़ में चल रहा है सब, हमें परवाह नहीं है, कोई आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। और हम तो यही बात कहने वाले हैं, हम झूठी बात बता करके आपको धोखे में नहीं रखना चाहते,
हम गलत बात के आधार पर आपको आकर्षित नहीं करना चाहते, जो होगा सो होगा। क्या टोडरमल जी ने अपनी जान दे दी, आचार्य लिखते लिखते अपने प्राण दे करके चले गए, समाधि संलेखना करके ये आचार्य दिख करके चले गए हैं। जैन कुल में हमने जन्म लिया है, हमारे इतरागी संत क्या बात कह रहे हैं, इन बातों को नहीं माने, हम नहीं स्वीकार करें इन बातों को। खूब चर्चा की है पहले, कुछ होगा सिद्ध चक्र, सिद्धों के गुणानुवाद की चर्चा जरूर आई है श्रीपाल चरित्र में। बहुत पहले मैंने जब सबसे पहला ग्रंथ था मेरा कोटि भट्टी श्रीपाल, जो मैंने पढ़ा था अपने लाइफ में, पढ़ा भी था और पढ़ करके सुनाया भी था, पूरा वाच करके सुनाया था। 86-87 की बात होगी, मुश्किल से 6-7 क्लास में पढ़ता था मैं, समझ लो आप। दादी जी वगैरह और हमारे पुराने जो बुजुर्ग दादी जी अम्मा जी, जिनको पढ़ना नहीं आता था ना, पूरा ग्रंथ पढ़ करके सुनाया था और पूरा वाच करके पहला ग्रंथ पढ़ा था मैंने। सिद्धों की गुणानुवाद की चर्चा है, लेकिन कौन सा सिद्ध चक्र विधान, ये तो नक्की करो। ये संतलाल जी कवि वाला जो सारी दुनिया में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, 250 साल पहले लिखा है भैया, ये तो 200 साल में लिखे हुए, 200-225 साल नकुड़ में लिखा संतलाल जी कवि ने, नकुड़ एक गांव है इधर, नकुड़ एक गांव है, हमारे शास्त्री है वहां के, एक दो विद्यार्थी है वहां के पढ़े हुए, तो वहां अभी 200 साल पहले लिखा और ये चौथे काल में हुए, ये तो मोक्ष गए। उन्होंने कौन सा विधान किया था, और विधान करे वो और रोग दूर हो जाए उसका, वैसा वैसा तो हमारे यहाँ है जैन परंपरा। विधान करो आप दीपेश जी और भला हो जाए मेरा। कि यार दीपेश जी यार थोड़ा क्या है, मेरे गले में थोड़ी तकलीफ ज्यादा रहती है, एक काम करो ना मेरे नाम से भक्तामर कर लेना एक बार, तो थोड़ा गला ठीक हो जाए, आप करोगे तो मेरा ठीक हो जाएगा। आप सुबह वो अर्घ वर्घ चढ़ाते हो ना, विधान विधान करते हो कुछ भी रोजाना, तो उसमें एक बार लास्ट में मेरा नाम बोल देना, तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा कुछ, कैसे हो जाएगा। मतलब कितने, कोई समझदार आदमी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अंधभक्ति के नाम पर सब चल रहा है, अंधभक्ति के नाम पर हो रहा है सब कुछ। दुनिया भोली है, जगत भोला है क्या, और लोग बस आ जाते हैं बेकार। होगा कैसे ये तो बतलाओ ना, थोड़ा बहुत भी समझदार आदमी हो। ये जैन दर्शन साइंटिफिक दर्शन है, ये देखा देखी और धोखाधड़ी का दर्शन नहीं है भैया, साइंटिफिक कुछ तो बतलाओ मेरे को, कैसे होगा। मैंने निहाल जी साहब का नाम ले लिया और इनका भला हो गया, कैसे होगा, बुरा भी तो हो सकता है फिर, आज आपने जाने से मेरा भला मान। हाँ, ये यदि किसी के चाहने से भला मान रहे हो तो फिर किसी के चाहने से बुरा भी हो सकता है, फिर क्यों साहब, फिर तो दोनों तरफा होगी ना बात कि साहब उन्होंने खूब आपके नाम से जाप किए तो आपका भला हो गया, तो फिर उन्होंने खड़े रहकर के आपको खूब कोसा तो आपका बुरा हो गया। क्या आप तैयार है किसी के कोसने से अपना बुरा कराने के लिए, फिर नहीं सब बुरा तो क्यों, तो फिर भला के लिए क्यों क्यों आप झोली फैला रहे। मान्यता सीधी सी बात है, अज्ञानियों की संगति से भयभीत रहो भाई साहब, कितना सुंदर से। हाँ, सावधान रहो, जो करेगा उसे फल मिलेगा, सीधी सी बात है, जो करेगा स्वयं पूजन करोगे उसका फल आपको लगेगा, परिवार वालों को नहीं। आप यदि पूजन कर रहे हैं, आप यदि विनाश विधान कर रहे हैं, आप यदि भक्षाल कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं धार्मिक, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, भले की अब भले भी सोच लो जरा कैसे, जैसे यहाँ आकर के आप प्रवचन सुन रहे हो, ठीक है, तो आप प्रवचन सुन रहे हो तो आपके जो बच्चे हैं मान लो रवि जी हैं घर पे, तो उनकी ज्ञान वृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्यों क्यों नहीं होगी, क्यों क्या बात कर रहे हो, आप आ गए ना एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ गया, नहीं होगी, क्यों भैया बोलो, शुभम सीखेगा कि नहीं, नहीं सीखेगा, क्यों, जो आएगा वो सीखेगा, जो आएगा वो समझेगा, जो आएगा उसके परिणाम सुधरेंगे, जिसके परिणाम सुधरेंगे उसे पुण्य पाप कर्म जैसा बंधना है वैसा बंधेगा, जिसके बंधेगा उसका उदय में आएगा। कितनी सीधी सी बात है यार, मोटी मोटी बातें, इतनी मोटी मोटी बात ख्याल में नहीं आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब है, बोलो आप जाकर के इलाज कराओ, मेरे टाइम नहीं भैया यार, 2 दिन में जाना है मेरे को, बाहर निकलना है, बहुत सारे काम है, एक काम करो ना थोड़ा यार आप दिखाया डॉक्टर को, चलेगा, नहीं हो सकता है,
कहीं नहीं होता है यार, कहीं नहीं होता है। मैं रात को पानी भी नहीं पीता हूँ मान लो, और यदि मुझे दवाई लेनी है, डॉक्टर पीछे पड़े हैं और जरूरी है, नहीं तो मर जाएंगे, तो मैं कहूँ मेरी जगह इनको खिला दो, चलेगा? कौन सी जगह होता है ये तो बताओ। आपके 22 साल के बच्चे के ऊपर कोई इल्जाम था और सिद्ध हो गया मान लो, और उसे सजा हो रही है, और आप जाकर के मजिस्ट्रेट से कहोगे इसकी जगह मुझे सजा दे दो, मिल जाएगी? मजिस्ट्रेट साहब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जवान लड़का है 20-22 साल का, हमने तो हमारी ज़िंदगी जी ली है, कोई बात नहीं, मेहरबानी करो हमें दे दो, हम तैयार हैं ना, आपको तो सजा से ही मतलब है ना, हम तैयार हैं ना, चलेगा? जब सजा किसी को नहीं हो सकती है, जब सम्मान किसी और का नहीं हो सकता है, जब इलाज किसी और का नहीं हो सकता है, जब दवाई किसी और को नहीं दी जा सकती है, जब दुनिया का कोई काम इधर का उधर नहीं हो सकता है, तो फिर ये धर्म के क्षेत्र में ये अंधभक्ति क्योंकि करूंगा मैं और फल मिल जाएगा उसे, कितना बड़ा धोखा है। और ये धोखा सिर्फ इसलिए है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मा जी नहीं आ पा रहे हैं तो तुम आ जाओ, उनका भला हो जाएगा, वो नहीं, क्या पागलपन है यार। सवाल तो परिणाम होता है, सच बात है बिल्कुल, लेकिन भाई मोटी मोटी क्रिया से परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, इसलिए ये कहा जाता है अच्छी क्रिया कर रहे हैं चांस यही है परिणाम अच्छे होंगे, बिना परिणामों की क्रिया नहीं, दिमाग में और लगाव का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मंदिर में बैठे बैठे भी व्यक्ति पाप बांध सकता है और घर में बैठ करके भी व्यक्ति पुण्य कर सकता है, संभव है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ये सोच करके, अच्छा साहब एक बात बतलाओ, भैया मंदिर विधान में बैठे हम तो पाप बन सकता है ना परिणामों के आधार पर? हाँ बन सकता है बिल्कुल, मंदिर में बैठ के पाप। अच्छा एक बात बतलाओ, हम पिक्चर हॉल में जाकर के 3 घंटे बैठे तो पुण्य बन सकता है कि नहीं? ये परिणामों की बात है, कदाचित किसी स्थिति में बन भी सकता है, 3 घंटे तक पाप ही पाप थोड़ी ना बंधेगा, अंतर्मुहूर्त में पुण्य भी बंधेगा, हर अंतर्मुहूर्त में पुण्य से पाप और पाप से पुण्य बनता है। तो हमने कहा कि भाई सच्चाई है, 3 घंटे लगातार पाप तो नहीं बन सकता है, बीच में पुण्य भी बंधेगा, हो सकता है जहां हल्का सा भी परिणाम आ गया सेकंड मात्र के लिए इतना मत पीटो, इतने से परिणाम के अंदर किंचित पुण्य बांध लिया, समझ में आ रही है बात? इसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर ये परिणाम अच्छे है ना। तो कोई व्यक्ति ये बात सुन करके गए, फिर तो अच्छा है मंदिर छोड़ करके पिक्चर हॉल जा करके बैठते हैं, कि सुन वहां भी कदाचित पुण्य तो बंध जाए, लेकिन बाहुल्यता पाप ही पाप की है, वहां यदि कदाचित 2% पुण्य बंधेगा तो 98% पाप बंधेगा, और यहां आने से जो हम पाप की बात कह रहे हैं, तेरा उपयोग बाहर चला गया, विषय कषाय में चला गया, घर गृहस्थी में चला गया, दुकान में चला गया, तो पाप भी बन सकता है यहां बैठे बैठे, लेकिन 98% पुण्य के चांस हैं और 2% पाप के चांस। बोलो अब क्या करना, बोलो निर्णय करो। 98% चांस तो यही है ना कि व्यक्ति पूजन करने के लिए आकर ये बैठा है तो इसके परिणाम अच्छे होंगे, स्वाध्याय के लिए आकर के बैठा है तो परिणाम अच्छे होंगे, फल तो परिणामों का लगता है, ये तो सच्चाई है। संगति की चर्चा कर रहे थे यहाँ, तो ज्ञानियों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, स्वाध्याय प्रेमियों की संगति करो, जो स्वाध्याय करने की प्रेरणा देवे उनकी संगति करो, जो संयम की प्रेरणा देवे, जो साधना की प्रेरणा देवे, जो मनुष्य जीवन को सफल करने की प्रेरणा देवे उनकी संगति करो, और जो इस मार्ग से तुम्हें खींच करके दूसरी तरफ ले जावे तो उसकी संगति से थोड़ा सा बचो, सावधान। ये बातें यहाँ कही, देखिए पढ़ लिया वैसे अपन ने सरल अर्थ, और कुछ है भी नहीं, पढ़ लो आप। उपयुक्त प्रकार से वैराग्य में विचार करते हुए जीवनधर कुमार उस विद्याधरी युवती से दूर जाने को उद्यत हुए, क्योंकि अज्ञानियों के अयोग्य कार्य, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अयोग्य कार्य कर रहे हैं, शादी विवाह का प्रसंग है और कई लोग आए हुए हैं और खेल रहे हैं, तुम दूर रहो यार इससे, ये नहीं अपन भी बैठे हैं कोई बात नहीं, ठीक है वो लोग खेल रहे हैं अपन खेल नहीं रहे, मजा तो आ रहा है, संगति से दूर रहने के लिए कह रहे हैं अज्ञानियों के अयोग्य कार्यों से, तुम्हें पता नहीं है अगले क्षण क्या घटना घटने वाली है, तुम बेमौत मारे जाओगे, समझ लेना क्या, आज अभी पुलिस आकर के पकड़ करके ले जाएगी, मैं तो नहीं खेल रहा था, मैं तो नहीं था कि तुम बैठे थे ना वहाँ, तुम चलो साथ में, मेरी क्या गलती है, गलती यही है कि तुमने संगति की, यही गलती है, संगति से भी सावधान रहो। अज्ञानियों के अयोग्य कार्यों से ज्ञानी मनुष्यों को
भयभीत ही रहना चाहिए। ज्ञानी मनुष्यों को भयभीत रहना चाहिए। देखो क्या बात कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात है। यद्यपि ज्ञानी लोगों के भय नहीं होते, सप्त भय से रहित होते हैं ना, ई लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, आहुति भय, सात भय है ना, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित होते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञानियों को भयभीत रहना चाहिए अज्ञानियों से। अब क्या करें, तो डरे नहीं कि हाँ डरना चाहिए क्या? और साहब डर होगा तो अज्ञानी हो जाएगा कि नहीं नहीं, पाप से तो सदा काल डरो, पाप से तो डरो भाई, अज्ञानियों से डरो, अज्ञानियों की संगति से डरो। धवला का एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है, वीरसेन स्वामी धवला में ये कहते हैं, अपने नए चक्र में उद्धरण प्रस्तुत किया उसका, नैगम नय का प्रकरण देते हुए उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को पापियों की संगति करते हुए देखकर ये कहा कि ये तो नारकी है। क्या क्या लिखा धवलाकार वीरसेन स्वामी ने, क्या पिताजी साहब क्या क्या लिखा, ये नारकी है। अब कोई व्यक्ति सामने से ये तर्क करे कि आपको इतनी सी अकल नहीं है, मनुष्य गति का दिख रहा है, हाथ पांव वाले दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य आयु नामकरण का उदय, मनुष्य गति वाला ये जीव दिखाई दे रहा है, तुम्हें तो नारकी कह रहे हो, इसके कोई नरक आयु कर्म का उदय चल रहा है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, भावी नयगम नय से हम इसे अभी नारकी देख रहे हैं। और विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा, ये जीव पापियों की संगति कर रहा है, पापियों की संगति कर रहा है, भले ही अभी पाप नहीं कर रहा हो लेकिन उनकी संगति में बैठने से धीरे धीरे ये भी पाप करने लगेगा, पाप करने से नरक आयु बांधेगा और बांध करके नरक में चला जाएगा। हमें इसका भविष्य आज दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये नारकी है। हाँ बहुत बहुत चर्चा है। अभी मैंने सूरत में चार प्रवचन हुए, मेरे चार व्याख्यान हुए सूरत में, चारों व्याख्यानों में मैंने एक लाइन की चर्चा की, एक पैराग्राफ की चर्चा की, 17 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, भली होनहार है जिसकी। टोडरमल जी साहब श्रोता के स्वरूप में कह रहे हैं साहब, इसकी होनहार भली, ये बहुत भाग्यशाली। कैसे कह रहे हैं भाग्यशाली, ये बिजनेस करने के लिए बैठता है और करोड़ों रुपया कमाता है, जहाँ हाथ डालता है मिट्टी में हाथ डाले तो सोना निकालता है, बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? कह रहे हैं वहाँ है। इसका जिनवाणी सुनने को विचार मात्र आ गया और सुनने के लिए भी आ नहीं पाया, कदम बढ़ाए हैं उसने, घर से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था मंदिर आने के लिए और पैर फिसल गया, दुर्घटना होकर के मर गया। टोडरमल जी कह रहे हैं भली होनहार है, क्या बात कर रहे हो आप, होना विचार मात्र आना भली होनहार है, फिर यहां मंदिर आ जाना है तो भाग्यशाली है, और आकर के सुन लेना और सुन करके जिनवाणी की चर्चा को अपने में बिठा लेना, बोले चक्रवर्ती तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारे भाग्य की, ऐसे भाग्यशाली हो तुम। 3-4 दिन हुई चर्चा ऐसी वहां, कितना भाग्य है, क्यों क्यों कहा परमल जी ने भाग्यशाली, इसलिए कहा कि जिसको ऐसा विचार आया है वो यहाँ सुनने के लिए कदम बढ़ाएगा, यहाँ सुनने के लिए आएगा, सुनेगा, तत्व की बात को समझेगा, अंदर में उतारेगा और इन बातों को समझ करके सम्यक दर्शन और वेद विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ता हुआ अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करेगा। हमें ये सुनने के विचार करने वाले व्यक्ति की सिद्ध दशा नजदीक दिखाई दे रही है, इसलिए भाग्यशाली कह रहे बोलो। इसका फ्यूचर दिख रहा है हमारे को, जैसे कहते हैं ना, पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं, पालन करने में ही दिख जाते हैं, बच्चे के भविष्य कैसा होगा, पालन पोषण करने वाला सब समझ रहा है कि इसका फ्यूचर किधर जा रहा है। ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमें इसका भविष्य दिख रहा है, कि क्या दिख रहा है तुम्हारे को इसका भविष्य, हमें इसके फ्यूचर में अनंत काल तक सिद्ध दशा दिखाई दे रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं ये बहुत भाग्यशाली। ये संगति की महिमा है, पापियों की संगति करते हुए नारकी कह दिया और साधर्मियों की संगति करते हुए सिद्ध कह दिया। ऐसे प्रयोग कितने हैं शास्त्रों में, सम्यक दृष्टियों को सिद्धों का अभिनंदन कहते हैं, मुनिराजों को चलते फिरते हुए सिद्ध कह देते हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध भगवान हैं, चलते फिरते हुए सिद्ध हैं,
कैसे कह रहे हो आप? अरे सिद्ध बनने हो गया यार, तो भगवान बनने वाले हैं, इनके कदम कहाँ बढ़ रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है, कर्म किस झटके से अंदर छूट रहे हैं, कर्म से कैसे निवृत्ति मिल रही है, ये बहुत सुंदर बातें हैं। चलिए, हाँ शादी शादी सुनने को ही नहीं मिलती, कान में नहीं मिलती। अभी आपने यहाँ ये 50-100 लोग बैठते हैं, समझ लो आप इतने, अभी दूसरी जगह पर देखो आप तो कौन है सुनने वाला, पूरे जयपुर में तलाश लो आप कहाँ 50 लोग आ रहे हैं, कहाँ 30 लोग बैठ करके पूजन कर रहे हैं सामूहिक पूजन जयपुर में। फोन आ रही है, खराब होगी तो क्या होगा, कहाँ से सुनने के लिए आएंगे, सुनने को ही नहीं मिल रही है, समझना उतरना ये तो सब बात की बातें हैं। अभी इतना ही भाग्य नहीं है कि कान में ये बातें सुन सके, और जिनके भाग्य में नहीं होता है उनको आप कहते रहो तो भी नहीं आएंगे। जब जागृत होगा ना, जब सद्भाग्य जागृत होने का काल आएगा तो फिर कदम बढ़ पाएंगे। ना तो आप इतनी दूर दूर से आते हैं, आप कितना दूर से आते हैं, 8-10 किलोमीटर होगा कुछ आराम से होगा ना, इतना तो बड़ा कठिन। हाँ टेम्पो में वेट किया तो उसमें क्या हो गया, बोले टैक्सी में टेम्पो में बैठ करके अलग अलग कॉलोनियों से दूर दूर से आप लोग आते हैं, तो ये सिटी कॉलोनी से आते हैं, ऐसा लगता है हम हमसे भी ज़्यादा दूर, हम भी कम दूर से नहीं आते। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातें हमारी चर्चा का विषय बन रही है तो ये चर्चा में बनी रहे, और कभी कभी वर्तमान युग की चर्चा में करता हूँ तो इतना सुंदर युग आ गया है, तीर्थंकर का युग ऐसा नहीं था, चौथा काल इतना अच्छा नहीं था पारस जी। कैसे तू बताओ, चौथे काल में तो मोक्ष होता था, क्यों चौथे काल में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, ये कभी वही होगा, कई बार हुआ होगा तो क्या न्याल कर लिया तुम, क्या कर चौथे में होकर क्या कर क्या लिया चौथे काल में, कुछ नहीं। अच्छा मैं ये कहता हूँ चौथे काल में भी तीर्थंकरों का समग्र शरण भी लगा हुआ हो तो दुनिया का हर व्यक्ति जाकर के दिव्य ध्वनि नहीं सुनता, सारे लोग थोड़ी ना सुनते, सुनते सुनते भी लोग निकल करके चले जाते हैं मारी चीजें से, सब तो नहीं सुनते, सब तो सुनने के लिए नहीं आते, उसके लिए रुचि चाहिए ना, नहीं होगी तो क्या होगा, चौथा काल भी हुआ तीर्थंकर भी है और रुचि नहीं है तो क्या होगा। और दूसरी बात, चलो रुचि भी हो तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि निश्चित टाइम पर और निश्चित टाइम फ्रेम के लिए सुनने को मिलेगी, उसके अलावा टाइम में आप सुनना चाहें तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बोलो ऐसा है ना, जो सुख के समय में भी भगवान को याद करते हैं। अभी और सुनो सुधीर, मैं जो तर्क दे रहा हूँ अपेक्षा सही बात है भाई, चौथा तो चौथा ही है, पंचम काल की हीनता की भी चर्चा की है, विभीषण का उदाहरण है अपने सामने, मैं तो अपेक्षाकृत बात कर रहा हूँ, सापेक्ष कथन कर रहा हूँ, किसी अपेक्षा से वर्तमान काल को उससे अच्छा कहा जा सकता है, रुचि की अपेक्षा भी क्या, अपनी रुचि की अपेक्षा कहो। दूसरी बात, उस समय आधी रात को यदि आपको जिनवाणी की कोई चर्चा सुनने का विचार आए तो आपके पास में कुछ अवेलेबल नहीं है, आप सुन नहीं सकते थे। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुबह 7 बजे शुरू होगी और 9:24 तक चलेगी, 9:12 तक चलेगी, तो 7 बजे राइट टाइम पे पहुंचना पड़ेगा और 9:15 पहुंचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा सुनने को। बोले नहीं थी ना वैसे रखी, आज आप रात को 1 बजे क्या पिताजी साहब आँख खुल गई और आपको जो सुनना हो, जिस विद्वान को सुनना हो, जिस विषय पर सुनना हो, आप खोलो YouTube चैनल और जो सुनना हो आपको सब मिलेंगे वहाँ, सुमन प्रकाश जी भी मिलेंगे वहाँ, डॉक्टर भारिन साहब भी मिलेंगे वहाँ, जबलपुर वाले भी मिलेंगे, जिसको जहाँ सुनना हो आपको और जिस विषय पर सुनना हो सब अवेलेबल। अब बोलो आपकी ये फैसिलिटी कहाँ थी, आप 24 घंटे यदि नॉन स्टॉप सुनना चाहो क्या तो आपके सामने अवेलेबल है, 24 घंटे यदि आप सुनना चाहो तो, चौथे काल में 24 घंटे फैसिलिटी नहीं थी। बोलो इस अपेक्षा से ये काल अच्छा, इस अपेक्षा से ये काल अच्छा, वो उस समय भी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी कि यार मैं आज जा नहीं पा रहा हूँ आज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो चौथे काल में भी करते थे ना लोग,
और कोई ये कहे कि यार आज तो काम ऐसा है, उस पार्टी से मिलना है, बहुत जरूरी है, जा नहीं पा रहा हूँ, एक काम करना, तो देवी ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग करके ले आना, मैं बाद में सुन लूंगा। है नहीं भगवान महावीर स्वामी का समोक्ष शरण कहाँ आया भैया, बतलाओ पहली बार। वीर शासन जयंती आने वाली है, विपुलाचल राजगिरी में, राजगिरी में विपुलाचल पर्वत पर आया उनका समोक्ष शरण पहली बार, वहां उनकी दिव्य ध्वनि गिरना शुरू हुआ, समोक्ष शरण की रचना हुई। बोलो आज आपके पास में सूचना है, भगवान महावीर स्वामी का समोक्ष शरण आ गया है, दिव्य ध्वनि गिरना शुरू हुआ है। चलो कौन कौन चल रहा है बिहार झारखंड में, कौन कौन चल रहा है अभी, जाऊंगे अभी तो 5-7 दिन का प्रोग्राम बना करके जाऊंगे, वापस आ जाऊंगे। और आपको पता चले रोजाना ही चलने वाला है 30 साल तक, तो बस सोचे अरे यार अभी चलेंगे बाद में, अभी तो छुट्टियां देखेंगे फिर बनाएंगे प्रोग्राम, 30 साल तक रोजाना चलने वाला है। सोचो चौथे काल में भी क्या इतनी डिस्टेंस नहीं होती थी, कौन जाए सुनने के लिए। यहाँ आज जमाना इतना अच्छा आ गया है कि सूरत में लग रहा है शिविर और यहाँ बैठ करके लाइव सुन रहे हैं, शिविर लग रहा है वहां और अमेरिका में बैठ करके सुन रहे हैं, हजारों लोग रोजाना सुन रहे हैं। क्या मेरे पास लंदन से मैसेज आया संदीप भाई का, उन्होंने मैसेज दिया कि आपका प्रवचन सुना बहुत मजा आया, सारी बातें रिफ्रेश हो गई। ये मैसेज आया उनका लंदन से, प्रवचन किया सूरत में, मैसेज आया उनका लंदन से। मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों के मैसेज आते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, लाइव वॉचिंग दिखाता है कि इतने लोग लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है समय बहुत अच्छा आ गया है, काल बहुत अच्छा आ गया है, हाँ ये अवसर बहुत अच्छा आ गया है। और सुनो भैया, यदि आप आज के 100 साल पहले आपने इसी पंचम काल में जन्म ले लिया होता, आज के 100 साल पहले, तो आपको कुछ नहीं मिलता है इस धरती पर। बोलो भारत जी, 100 साल पहले इस धरती पे कौन मिलता आपको, तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो 1912 के आसपास का जन्म है, बोलो शांति सागर जी का भी, क्या 1935-40 के आसपास उन्होंने दीक्षा ली होगी मैं समझता हूँ, 1940 के आसपास। अब आप जरा कल्पना करो, बोलो 100 साल पहले चले जाते हैं, इस पूरी धरातल के ऊपर एक भी तो दिगंबर संत का सद्भाव नहीं था, एक भी मुनि आर्य का नहीं थे, क्या ये भी तरह की तत्व ज्ञान की चर्चा करने वाले नहीं थे। 100 साल पहले चले जाओ, जिनवाणी छपी हुई नहीं थी, शास्त्र नहीं थे, ग्रंथ भंडार भरे तो थे, प्रतिलिपियां हुआ करती थी, हस्तलिखित ग्रंथ हुआ करते थे, बंद रहा करते थे, शास्त्र सभाएं इस तरह से नहीं चलती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप कल्पना करो हम कितने अच्छे युग में आ गए हैं, हम कितने अच्छे काल में जन्मे हैं, हमारे लिए 14 साल से ज्यादा अच्छा है बिल्कुल। ये सारे सब चाहे जयसेनाचार्य हो, चाहे कुंदकुंदाचार्य हो, सब चौथे काल के। जयसेनाचार्य के स्थान पर लिखते हैं प्रवचन सार में, वे लिखते हैं कि चौथे काल में विदेश क्षेत्र की बात लिखी, उन्होंने सिमंदर भगवान की बात लिखी कि वे तीर्थंकर परमात्मा तुझे आत्मा समोह शरण में बैठकर कहीं हाथ पर धर करके नहीं दिखाते। तू जो कहता है ना कि काश विदेश क्षेत्र में होता, काश चौथा काल होता, काश तीर्थंकर परमात्मा होते, तो उन्होंने क्या लिखा, तीर्थंकर परमात्मा तेरे को आत्मा का स्वरूप ये हाथ पे रख करके नहीं दिखाएंगे, वहां भी उनकी वाणी में ही चर्चा आएगी और तुझे कर्णेंद्री से सुनकर अपने पुरुषार्थ से ही समझना पड़ेगा, और यहाँ भी उनकी वाणी इन शास्त्रों के रूप में अवेलेबल है, तुझे कर्णेंद्री से सुनकर अपने पुरुषार्थ से ही समझना पड़ेगा। कहाँ फर्क दिखाई देता है, अभागों को वहां भी न मिले और भाग्यशाली यहां भी लाभ ले ले, ये भाग्यशालियों का काम है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, ये बहुत भाग्य से मिल गया है, इसलिए ये जो चर्चाएं जितनी भी अपनी, ये जो आज कुछ दिशा थोड़ी सी घूम गई थी, लेकिन चर्चा यही की है, जो अज्ञानियों की संगति का निषेध किया और ज्ञानियों की संगति की बात कही,
ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सीखने योग्य बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काल, अपना समय साधर्मियों के बीच में और ज्ञानियों के बीच में बिताएं, जिसके माध्यम से हमारा मनुष्य जन्म सफल सार्थक हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।